विश्वानि देव सविते दुरितानि परासुव यद्वद्रम तन्यासुव। सभी को सादर नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं डॉक्टर हनुमान प्रसाद आर्य आज यज्ञ के माध्यम से विश्व का ज्वलंत मुद्दा है जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन, उसको हमने ही न्योता दिया है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो भूमंडलीय तापमान बढ़ रहा हो, भले ही प्रदूषण फैला हो, इन सब को हमने ही न्योता दिया है। और हम सब के विकास की गति पकड़ने के कारण यह भस्मासुर पर्यावरण प्रदूषण हमारे सामने है। उसके नतीजे आज प्रत्येक जनमानस भुगत रहा है, सभी प्रभावित हैं इससे। इस पर्यावरण को यदि हम समाप्त करना चाहते हैं तो यज्ञ जो है इससे बड़ा और माध्यम नहीं है। हमारे पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से निर्मित है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये बात पूर्ण रूप से सही और सार्थक है। जैसा हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, वही ब्रह्मांड में हैं। उन 5 तत्वों को यदि स्वस्थ रखना चाहते हैं तो यज्ञ से बड़ा कोई माध्यम नहीं है। यज्ञ के बिना हम इन 5 तत्वों को व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से प्रदूषित मुक्त नहीं कर सकते। यज्ञ के माध्यम से जो प्रखर ऊर्जा निकलती है, इसमें गाय का घी इस्तेमाल किया जाता है और सामग्री ऐसी होती है जो कीटाणुनाशक, रोगनाशक होती है। एक सामान्य हवन हवर करते हैं, एक सामान्य यज्ञ करते हैं हम प्रतिदिन, तो 8 वर्ग मीटर का दायरा एकदम से पूर्ण रूप से साफ हो जाता है। और जहाँ जहाँ इसका धूम्र ध्वज जाएगा, उन क्षेत्रों में सभी जगह पर्यावरण समाप्त होता जाएगा, पर्यावरण प्रदूषण समाप्त होता जाएगा, पर्यावरण की समस्या नहीं रहेगी प्रदूषण की, और पर्यावरण प्रदूषण को हम समाप्त कर सकते हैं। पहले जनसंख्या कम थी, संसाधन कम थे, साधन कम थे, और जो आज प्रदूषित संसाधन हैं, जो प्रदूषण फैला रहे हैं लगातार, वो ना के बराबर थे। और प्रत्येक घर में यज्ञ हुआ करता था, प्रत्येक घर में सुबह और शाम दोनों वक्त यज्ञ हुआ करता था। जनसंख्या बढ़ी, हमने वेदों की रीत छोड़ी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने साफ कहा था, वेदों की ओर लौटो। यदि वेदों के मार्ग पे हम चलेंगे तो मानसिक प्रदूषण भी दूर होगा, वैचारिक प्रदूषण भी दूर होगा, और जो पर्यावरण प्रदूषण है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, और हमारा भारत वापिस विकसित और समृद्धशाली राष्ट्र बनेगा। भारत ही नहीं, किरणवंतो विश्व मार्यम, हम पूरी पृथ्वी को आर्य बनाएं, ये बात कहते हैं। और साथ में ये भी भावना रखते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, हमारा घर है। ठीक उसी विचारधारा से ओतप्रोत होकर के आज मैं जनमानस से निवेदन करता हूँ कि पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करना है। यदि प्रदूषण जैसी भयानक बीमारी को बिल्कुल एकदम समाप्त करना है तो यज्ञ को अपनाइए। आइए हम और आप सब मिलकर के घर घर यज्ञ करें। हर घर यज्ञ, घर घर यज्ञ होना चाहिए और प्रतिदिन होना चाहिए। तो हमें भी प्रतिदिन यज्ञ के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करने में योगदान देना चाहिए। मैं तहे दिल से आभारी हूँ अंकित तिवारी जी का, जो डिक्शनरी चैनल को चलाते हैं। उन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं प्रदूषण के ऊपर यज्ञ के माध्यम से अपने विचार रखूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।